तो वसम गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की वीडियो को एडिट करना सिखाने वाला हूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आज तक आपको इतना सिंपल तरीके से कुछ इस टाइप की वीडियो एडिटिंग किसी ने नहीं सिखाया होगा। आपका भाई पहली बार सिखा रहा है, जिसके अंदर आपका भाई क्या बताएगा ना कि कैसे आप आईफोन की तरह अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे, अपनी वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट को कैसे ऐड करेंगे, सेकी इफेक्ट को भी आपका भाई ऐड करना बताने वाला है। तो आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो व्हाट्सअप गाइस, उस टाइप की वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को वीटा ऐप को ओपन कर लेना होगा। अगर आपके पास ये वाला ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इजीली जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऊपर साइड में कोने में ना यहाँ पे इसकी सेटिंग के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वीटा वाटरमार्क आपका ऐसे ऑन होगा, तो आप लोग इसे ऑफ कर लीजिएगा। गाइस, इससे ये फायदा होगा कि जब आप वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके वीडियो के अंदर इस ऐप का लोगो देखने को नहीं मिलेगा। और ये सेटिंग कर लेने के बाद ना आपको यहाँ पे क्रॉस तीर के आइकन पे ऐसे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर लेने के बाद अब हम लोग एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पे आप ऐसे क्लिक कीजिएगा, और कर लेने के बाद आपके गैलरी की सारी वीडियोज आप लोग के सामने शो हो जाएगा, और इस साइड इमेज भी आप लोग के सामने शो हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो वाले सेक्शन में आइएगा और अपने वीडियो को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो मैंने अपने वीडियो को सिलेक्ट करके और नीचे साइड में तीर के आइकन पे ऐसे क्लिक कर दूंगा, और कर लेने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपकी वीडियो ना वीटा ऐप के टाइमलाइन पे लेकर चला आएगा। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक छोटी सी बात को बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वाले वीडियो को ना तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट के अंदर आपका भाई वीडियो के अंदर कलर को कैसे ऐड करेंगे ये बताएगा, और दूसरे स्टेप में आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप आईफोन की तरह अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे प्रोफेशनल लेवल का, ये बताएगा। और तीसरे स्टेप में ब्लर इफेक्ट डालना आपका भाई बताएगा, सेकी इफेक्ट को भी ऐड करना बताएगा। सारी चीजें आपका भाई इसी वीडियो के अंदर बताने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग को क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो के लेयर पे ऐसे क्लिक करना होगा, और कर लेने के बाद नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, और कर लेने के बाद इसकी वॉल्यूम के आइकन पे जाके इसकी वॉल्यूम को 0% करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा। और राइट क्लिक कर लेने के बाद आप देख सकते हैं हम लोग के पूरे वीडियो के अंदर म्यूजिक ऑफ हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो को कटिंग करने वाले हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीडियो को चलाया और लास्ट में देख सकते हैं हम लोग का वीडियो यहाँ पे बिगड़ गया है। तो सिंपल से आप लोग यहाँ से दो तरीके से अपने वीडियो को काट सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप ऐसे अपने वीडियो के लेयर पे क्लिक करके और साइड में ऐसे पकड़ के यहाँ पे जहां तक आपको काटना है यहाँ से ऐसे काट सकते हैं। और दूसरा तरीका गाइस ये है ना कि आप जहां से अपने वीडियो को काटना चाहते वहां पे रोक लीजिएगा और नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, और आप लोग के सामने एक स्प्लिट का आइकन देखने को मिलेगा। तो स्प्लिट के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जिस भी पार्ट को आपको डिलीट करना उस पार्ट को आपको सिलेक्ट करके और नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और वो वाला पार्ट हम लोग का डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको सिंपल से आपको अपने वीडियो के लेयर पे ऐसे क्लिक करना होगा, और कर लेने के बाद ऐसे आपको साइड में स्क्रॉल करके आना होगा, और आने के बाद आप लोग के सामने एक एडजस्ट का आइकन देखने को मिलेगा। तो एडजस्ट वाले आइकन पे आप सिंपल से ऐसे क्लिक कीजिएगा, और आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपका भाई बहुत ही सिंपल तरीका बताएगा। तो सबसे पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा, और इसकी कॉन्ट्रास्ट की ना वैल्यू को हम लोग कम करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो में ज्यादा ही कॉन्ट्रास्ट कुछ था, और ऐसे आगे आएंगे सिचुएशन पे और इसकी सिचुएशन की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके यहां से प्लस साइड में 31% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसकी शार्पनिंग पे आएंगे और शार्पनिंग को हम लोग बिल्कुल यहां पे प्लस साइड में 8% करेंगे। हाईलाइट वाले सेक्शन में आके हाईलाइट की वैल्यू हम लोग थोड़ा सा यहां से डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करके -39 कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग आप जब अच्छे तरीके से देखेंगे तभी आप एक प्रोफेशनल वीडियो को एडिट कर पाएंगे। इसका शैडो पे आके, और अगर आपके वीडियो के अंदर लाइट कम है ना तो इसकी शैडो की वैल्यू आप यहां से इंक्रीज कर लीजिएगा। मैं पे थोड़ा सा इंक्रीज करके प्लस साइड में 26% कर लेता हूं, और यहां पे वार्फ वाले में आके और इसकी जो होता है ना वार्फ की वैल्यू को मैं ऐसे कम करके -18 कर देता हूं, और यहां पे इसकी विग्नेट की वैल्यू मैं क्या करूंगा ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज करके प्लस साइड में 55% करूंगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद सिंपली हम लोग यहां से राइट क्लिक कर देंगे, और राइट क्लिक कर लेने के बाद यहां से बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद हम लोग को देख सकते पूरे वीडियो के अंदर ये वाला कलर आ जाएगा काफी अच्छी सी, और हम लोग का वीडियो देखने में काफी शानदार जान
शानदार सा लग रहा है। तो गाइज हम लोग का यहाँ पे पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरे स्टेप के बिना तो कभी आप वीडियो को एडिट नहीं कर पाएंगे प्रोफेशनल तरीके से। दूसरे स्टेप के अंदर आपका भाई स्लो एंड फास्ट मोशन को ऐड करना बताने वाला बहुत ही आसान तरीके से, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में करने के लिए सिंपल से आप लोग को अपने वीडियो के लेयर पे ऐसे क्लिक करना होगा, और कर लेने के बाद आपको जहां से आपका वीडियो जहां से आप चलना स्टार्ट किया वहां पे आप लाके वीडियो को रोकिएगा। और सबसे पहले हम अपने वीडियो को कटिंग करने वाले, उससे पहले क्या करेंगे अपने दोनों फिंगर से पकड़ के ऐसे वीडियो को फैला लेंगे, और फैला लेने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से एडिट करेंगे इसे। तो आप अपने वीडियो को यहाँ पे लाके रोकिएगा, और रोक लेने के बाद वीडियो वाले लेयर पे आप टैप कर लीजिएगा, और नीचे साइड में स्प्लिट के आइकन पे ऐसे टैप करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे आइएगा, और आगे आने के बाद आप लोग को क्या करना अगेन स्प्लिट कर देना होगा। थोड़ा सा और आगे ऐसे आइएगा, इतना छोड़िएगा, अगेन स्प्लिट करिएगा, थोड़ा सा आगे आके अगेन स्प्लिट करके ऐसे आगे आके ना आप कई कट ऐसे लगा लीजिएगा अपने वीडियो के अंदर। और लगा लेने के बाद अब हम लोग देखिएगा ना मेन काम स्टार्ट होता है। आप अपने वीडियो को ऐसे दोनों फिंगर से फैला के बड़ा कीजिएगा, और ये जो बीच में छोटा सा क्लिप है ना गाइस काटा है हम लोगों ने, उसे आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा, और नीचे साइड में आपको स्पीड के आइकन पे ऐसे टैप करना होगा, और आप लोग के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपल से स्टैंडर्ड वाले पे ऐसे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जो होता है ना इसको हम लोग ऐसे कम करेंगे, इसे हम लोग यहाँ से बिल्कुल इसे कम करेंगे ताकि हम लोग का वीडियो प्रोफेशनल तरीके से अल्ट्रा स्लोमो में कन्वर्ट हो। तो मैं इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे कर लेने के बाद ना आपको यहाँ पे ऊपर साइड में कोने में एक स्मूथ का आइकन मिलेगा, तो इस पर आप लोग ऐसे टाइप करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा, और राइट क्लिक कर लेने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा जिससे आपकी वीडियो ना स्लोमो में कन्वर्ट करेगा और अल्ट्रा स्मूथ आपकी वीडियो होगी। और ऐसे हो जाने के बाद ना मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं जब आप वीडियो को सेव करेंगे गाइस ना तो और ज्यादा स्मूथ ये हो जाएगा। तो इस वाले क्लिप को भी हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्पीड के आइकन पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड वाले पे क्लिक करके इसको भी हम लोग ऐसे यहाँ से कम कर लेंगे, और कम कर लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से आप लोग कीजिएगा। कर लेने के बाद अगेन स्मूथ पे क्लिक करके राइट क्लिक कर देंगे, और ये प्रोसेस आप फटाफट से सभी क्लिप के साथ कर लीजिएगा। और मैं सारी बताने लगूं तो काफी ज्यादा ये लंबा वीडियो हो जाएगा, और हो जाने के बाद अगेन देख सकते हैं इस वाले क्लिप में भी हम लोग का अप्लाई हो चुका है स्लोमो। तो ऐसे आप फटाफट से सभी क्लिप में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं गाइस यहाँ से फटाफट से सभी क्लिप के अंदर कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, और आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप एक प्रोफेशनल वीडियो को एडिट कर पाएंगे। इसके बाद आपका भाई ये बताएगा ना कि कैसे आप ब्लर इफेक्ट को अपने वीडियो के अंदर ऐड करेंगे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, तो सारी चीज़ें आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो लीजिए गाइस तीसरा क्लिप भी हो चुका है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे, और दोनों फिंगर से हम क्या करेंगे अपने वीडियो को ऐसे पकड़ के छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेने के बाद यहाँ से हम लोग देखिए वीडियो कुछ इस टाइप से होगा, और आपका वीडियो कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्लोमो, फिर यहाँ पे फास्ट, फिर यहाँ पे स्लोमो, और फिर यहाँ पे आपकी वीडियो फास्ट होगा, फिर यहाँ पे स्लोमो में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो स्टेप गाइस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो तीसरे स्टेप के अंदर आपका भाई ना जो इफेक्ट को ऐड करना बताने वाला, तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे अपने वीडियो वाले क्लिप पे ऐसे क्लिक करेंगे जहां पे आपको ऐड करना, तो उस क्लिप को आपको सेलेक्ट करके नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल करना होगा, और कर लेने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे एक एनिमेशन का आइकन मिलेगा, तो एनिमेशन पे आप टैप करिएगा, यहाँ पे फ्रेम इन पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे देख सकते हैं इफेक्ट शो हो जाएगा। तो आपको जिस भी इफेक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऐसे ऐसे आप लोग करके, और जहां तक आपको करना ऐसे करके सिंपल से राइट क्लिक कर दीजिएगा, और जिस दिन पे क्लिप में आपको ऐसे ऐड करना वहां पे फटाफट से ऐसे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। मैं भी गाइस फटाफट से ऐसे सभी क्लिप में ऐड करके और राइट क्लिक कर दूंगा, और राइट क्लिक करके यहां से मैं बैक आऊंगा। अब देखिए हम लोग का वीडियो देख सकते हैं गाइस काफी शानदार सा इफेक्ट भी हम लोग का ऐड हो चुका है, और वीडियो हम लोग का काफी प्रोफेशनल भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वीडियो हम लोग का ऐसा दिख रहा है। तो इतना सारा काम कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग कैसे ब्लर इफेक्ट को अपने वीडियो के अंदर ऐड करते हैं वन क्लिक में। तो ब्लर इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपल से नीचे साइड में इफेक्ट के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, इफेक्ट के आइकन पे अगेन क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक ब्लिंक का आइकन मिलेगा, तो ब्लिंक के आइकन पे टैप करेंगे, हालो ब्लर के आइकन पे टैप कर देंगे, और देख सकते हम लोग का कितना शानदार ब्लर भी यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसे इस पे एक बार और टैप कर देंगे, और यहाँ पे जो होता है ना स्पीड को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देंगे, और कम कर लेने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके इसे हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब देखिए हम लोग का वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग का वीडियो काफी यहाँ पे प्रोफेशनल हो चुका है।
देखिए ना, बलर भी हम लोग का देखिए कितना शानदार बलर भी ऐड हो चुका है। तो म्यूजिक को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे इस समय जो भी ट्रेंडिंग में म्यूजिक चल रहा है ना, उसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर साइड में एक्सपोर्ट के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।